आज हम व्याकरण व्योम करेंगे, ग्रामर। ग्रामर में हम करेंगे शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंस। शब्द क्या होते हैं? जैसे कि क, उसमें म, अ, ल, अ, क्या बन गया? कमल। ये क्या है? मगर। म, ग, र, मगर। यानी कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिनका कुछ अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध हो वह सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे भारत, कुर्सी, मेज, किताब। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध ना हो वह निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे तभार, तभार तो कुछ नहीं हुआ, सिरकू, जमे, तांबकी, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य सही शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, राहुल सात बच्चों खेल के है रहा, ये बिल्कुल सारा उल्टा पुल्टा है, क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। अब ये वाला देखिए, राहुल बच्चों के साथ खेल रहा है, इनको इसमें शब्दों को सही जगह पर रखा गया, तो ये क्या है? एक वाक्य है, यानी कि सेंटेंस है। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। शब्द से कहते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द या वर्ड कहलाता है, जैसे क, म, ल, या और भी कोई शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध हो वह सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे भारत, किताब, मेज आदि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध ना हो वह निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे तभार, इसको उल्टा कर दिया, जैसे बताकी, या कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दिया, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य कैसे बनते हैं? जब शब्दों को सही स्थान पर स्थापित किया जाता है तो वाक्य या सेंटेंस बनता है। जैसे राहुल बच्चों के साथ खेल रहा है, माताजी रसोई में खाना बना रही, या कोई भी और वाक्य। अब सही मिलान कीजिए। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह से बनते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? अर्थ का बोध कराते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों को सही जगह पर रखना। नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्दों को सही जगह में लगाकर उचित वाक्य बनाओ। जैसे रीता आई से गाड़ी, इसमें शब्दों को सारा उल्टा पुल्टा रख रखा है, हमें इसको एक सही वाक्य बनाना है, तो पहले क्या आएगा? रीता गाड़ी से आई। अब ये सही वाक्य बन गया। है मुझे जाना अब, इसमें क्या आएगा? मुझे अब जाना है। गीता पर बैठी है कुर्सी, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये वाक्य नहीं है। इसमें क्या आएगा? पहले गीता कुर्सी पर बैठी है। झपटी चूहिया बिल्ली पर, ये कैसे बनेगा? बिल्ली चूहिया पर झपटी, यानी कि हमें शब्द को सही स्थान पर रख के वाक्य बनाना है। गिलास पर रखा मेज है, ये तो कोई वाक्य नहीं बना, इसको कैसे बनाएंगे? गिलास मेज पर रखा है। पानी में कूदा मैं पानी में कूदा। गणित कमजोर ममता में है, इसका क्या बनेगा? ममता गणित में कमजोर है। यानी कि जब भी हम बनाएंगे वाक्य तो उसमें हम सब्जेक्ट को पहले लेंगे और ऑब्जेक्ट को बाद में। वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए।
म ल क, ये तो कुछ नहीं बना, इसमें क्या आएगा? क ल म आ स म न, आसमान। लो म री महक महक। पांच सार्थक व पांच निरर्थक शब्द लिखिए। सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है। आप अपनी तरफ से भी कोई शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है अलमारी, मेज, पंखा, गुलाब, कपड़ा। अब इनके निरर्थक शब्द कैसे होंगे? अलमारी, वलमारी, मतलब कुछ भी वाया शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। मेज, केज, या कुछ भी और लिख सकते हो। पंखा, फंखा, निरर्थक शब्द है। गुलाब, मुलाब। कपड़ा, वपड़ा, यानी कि ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है। और इसका सार्थक शब्द ये बनेंगे जिनका कोई अर्थ निकलता है। अब प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। आपकी मतलब आर्थिक हालत थोड़ी वैसी कमज़ोर और आप फीस नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में, श्रीमती प्रधानाचार्य जी, अध्ययन पब्लिक स्कूल, कापसेड़ा, नई दिल्ली 37। महोदया, मैं आपके विद्यालय में कक्षा तीसरी का छात्र या छात्रा हूँ। लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। पिछले कुछ समय से हमारे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, इसलिए मेरे अभिभावक मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। कृपया मेरी फीस माफ़ करें। मैं आपका या आपकी अत्यंत आभारी रहूँगा या रहूँगी। लड़का है तो रहूँगा, लड़की है तो रहूँगी। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या। नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। कक्षा, यहाँ पे अपनी कक्षा लिखेंगे। और दिनांक, यहाँ पे जितनी तारीख है आपको यहाँ पे तारीख लिखनी है। थैंक यू।